बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो स्कूल जाकर साफ सफाई करने लग जाएं तो क्या कहेंगे। उज्जैन में एक सरकारी स्कूल के बच्चों से टॉयलेट और नाली की सफाई कराई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ कीचड़ में काम कर रहे हैं। मामला शनिवार का बताया जा रहा है। बच्चे स्कूल टॉयलेट की गंदगी साफ करते नजर आ रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर झाड़ा के ग्राम पांडलिया का है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरों का काम कर रहे थे। आरोप है कि स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी छात्रों से टॉयलेट और इससे लगी गंदगी को साफ करवा रहे थे। जब बच्चे काम कर रहे थे तो स्कूल के पास से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन जैसे ही वीडियो बनता देख शिक्षकों और कर्मचारियों ने सफाई बंद करवा दी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। सफाई कर रहे छात्र भी हाथ धोने लग गए, लिहाजा वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। उज्जैन से विशाल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।